नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑफिस नोटबुक पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क पे ऑटो सम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले से मैं एक टेबल लिया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 कॉलम है और यहाँ पर 9 रो है। ओके, तो पहला कॉलम है आइटम का। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम हम लोगों ने लिया है, जैसे कि माउस, यूपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, हेडफोन, वेबकैम, माइक्रोफोन। ओके, यहाँ पर और भी ज़्यादा आप आइटम ले सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे लिया है। सपोज करिए यहाँ पर माउस मंडे को 2 नंबर सेल हुआ है, यूपीएस 10, मॉनिटर 2। इस तरीके से सारा डेटा हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पर मंडे को टोटल कितना सेल हुआ है, अगर मुझको साम करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑटो साम। तो ऑटो सम करने की डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। पहला तरीका मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मुझको सम की वैल्यू चाहिए, तो इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए समेशन का साइन है, तो यहाँ से देखिए सम फंक्शन सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑटो सम हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट तरीका आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वल टू साइन दे दे और यहाँ पर आप टाइप कर ले SUM सम और एंटर प्रेस करिए, तो देखिए ब्रैकेट आ जाएगा। और यहाँ पर मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक सम लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला जो सेल है यहाँ पर ये है C, और इस साइड से देखिए क्या है 2, तो ये सेल है C2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इस 2 का साइन दे दूंगा, और ये जो सेल है ये है C, और इस साइड से देखिए 8, तो ये है C8। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा C8 और एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप ऑटो सम कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इक्वल टू साइन दे दे, फिर से आप सम लिख दे और एंटर प्रेस कर दे, ब्रैकेट आ जाएगा। और यहाँ से देखिए इस तरीके से आप पूरा सिलेक्ट कर ले और एंटर प्रेस कर दे, तो इस तरीके से भी आप ऑटो सम कर सकते हैं। और देखिए इस साइड आप ड्रैग करके भी आप ऑटो सम ले सकते हैं। ओके, तो मैंने चारों प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है, चारों प्रोसेस से ही आप ऑटो सम कर सकते हैं। अब देखिए ऑटो सम करने की फ़ायदा क्या है। यहाँ पर देखिए सपोज मैं मॉनिटर के जगह पे मैं लिख देता हूँ नन, मतलब मंडे को कोई सेल नहीं हुआ है। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए 42 आ गया है। सपोज मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, फिर से देखिए 44 आ जाएगा। मैं यहाँ पर नन लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो देखिए 42 आ गया है। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, और यहाँ पर मैं वैल्यू फिर से 2 ले लूँगा। अब यहाँ पर मुझको सम लेना है। अब नॉर्मल प्रोसेस से आप सम करिए, मैं इक्वल टू देता हूँ इस सेल को, प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 और एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए सम करने से इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 44। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ नन और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा वैल्यू। ओके, इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर देखिए मैं ऑटो सम करता हूँ और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो 42 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर नान लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पर 42 शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं 4 ऐड कर दूंगा, तो ये 46 आ गया। फिर से देखिए मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, 44 आ गया। यहाँ पर मैं नन लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ, फिर से देखिए 42 आ गया है। ओके, तो ये है ऑटो सम करने की फ़ायदा। यहाँ पर मैं फिर से 2 ले लूँगा और एंटर कर दूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लिब्रा ऑफिस कैल्क पे ऑटो सम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।